सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक, मैं हूं माही जोशी। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर लगाई जीएसटी के विरोध में आज महिला कांग्रेस ने सेनवा में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम कार्यालय में न्यायिक तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुभद्रा परमार के नेतृत्व में महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ किले गेट के सामने प्रदर्शन किया। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खाली गैस सिलेंडर के साथ विरोध प्रदर्शन किया। एक बाइक को धक्का लगाते हुए रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे। राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार राहुल सोलंकी को ज्ञापन सौंपा। महिला कांग्रेस के द्वारा महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना एवं खाद्य घरेलू पदार्थों पर जीएसटी लगाने के संबंध में विरोध प्रदर्शन किया गया। क्या किया गया? आज हमारे महिला कांग्रेस के द्वारा किले गेट के बाहर धरना प्रदर्शन एवं रैली निकाली गई महंगाई के विरोध में। क्या ज्ञापन सौंपा गया आपके द्वारा? हमारे द्वारा, महिला कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। क्या मांगे? हमारी मांग है कि प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी तथा अग्निपथ योजना और खाद्य पदार्थों पर लगी जीएसटी बंद कर। जुल्बानिया आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर तिरंगा अभियान को लेकर ग्राम पंचायत जुल्बानिया एवं स्कूली बच्चों ने संयुक्त रूप से तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान नगर के प्रमुख मार्गों से नारे लगाते हुए बच्चे चल रहे थे हाथों में तिरंगा लेकर। आजादी के अमृत महोत्सव में बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री अजय यादव ने बच्चों को संबोधित किया। अजय जी, आज तिरंगा यात्रा निकाली, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा को लेकर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जो हर घर पे तिरंगा लहराएगा, उसी कड़ी में आज हम सब लोग, स्कूल के बच्चे और गणमान्य नागरिक बंधु, हम सब लोग आज गांव में निकले थे। आह्वान क्या रहे? देश कि हमारा राष्ट्र एक रहे, श्रेष्ठ रहे और परम वैभवशाली राष्ट्र बने दुनिया में, फिर से विश्व।